हमें कि कैसे उनसे जूझा जा सकता है जो लोग इस चीज़ों से पीड़ित होते हैं। आजकल कितना परसेंटेज है कैंसर के पेशेंट्स का? दीदी लीजिए। लवीना जी, आपका हृदय से आभार, धन्यवाद, और इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपको अनंत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आप कला के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ज़रूरत है आज के मायने में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश से पुरानी सभ्यताएं जो है, हमारी पुरानी संस्कृति है, वो धीरे धीरे लुप्त होती हुई नज़र आ रही है। तो आप जैसी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं जो लगकर काम कर रही हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में लगी हुई हैं, आपका ढेर सारा आभार। यहाँ पे उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीलू त्रिवेदी है और स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की मैं चेयरपर्सन हूँ। संस्था का निर्माण अब से 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था। हालांकि समाज सेवा के क्षेत्र में मैं लगभग 8 सालों से हूँ, लेकिन जो मेरा कार्य करने का तरीका था, मैं बहुत लिमिटेड रहती थी। लेकिन मैंने फिर इस चीज़ को पापा की एक दायरे में सिमट के, आप सेवा नहीं कर सकते, सेवा करने के लिए आपके दायरे बिल्कुल बंद नहीं सकते, आपको बहुत ज़मीनी स्तर पर जाके अपने भावों को, अपनी सेवाओं को देना होता है। तो इसी क्षेत्र में मैं 2.5 वर्षों से कैंसर फ्री इंडिया के लिए कार्य कर रही हूँ, और जो हमारा मिशन है उसका नाम है अभ्युदय कैंसर फ्री इंडिया, और ये अभ्युदय नाम दिया गया है हमारी नीमा पंत जी के द्वारा, और आप PGI से हैं जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा। तो इस मिशन में हमारे साथ नीमा जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नफीज अहमद सिद्दीकी जी हैं, और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए कैंसर को मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जागरूकता अभियान भी करते हैं, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी करते हैं, और जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति है, जो कि आर्थिक तौर पे कमज़ोर है और अपना इलाज कराने में असमर्थ है, तो वो हमसे संपर्क करते हैं, तो हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। इतना छोटा सा सफ़र है इस क्षेत्र में। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं कार्य कर रही हूँ। साई पाठशाला नाम के हमारे लखनऊ में 2 निःशुल्क विद्यालय चलते हैं, जहाँ पर शोषित और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और मेरा भी एक सपना है कि हमारा जो भारतवर्ष है ना, वो किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में कहीं भी कमज़ोर न रहे। हमारे देश का बच्चा बच्चा, हर महिला, हर पुरुष, कोना कोना, जर्रा जर्रा, यहाँ की हवाएं, एक एक चीज़ यहाँ की स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। और इसी आशा के साथ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड की थर्ड वेव भी आ चुकी है और बहुत तेज़ी से ये फैल रही है, जो आंकड़ा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सभी लोगों से मैं अपील करती हूँ कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, उचित दूरी बना कर रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, धन्यवाद।